चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से मुतालिक एक और बड़ी अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 आपको मालूम है पाकिस्तान में खेली जानी है और पाकिस्तान के अलावा 7 टीमों ने आकर चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा लेना है बशमूल टीम इंडिया के। तो अब ये इत्तला आ रही है कि वार्म अप मैचेस के ऊपर ICC ने जो मुतालिका क्रिकेट बोर्ड है यानी कि पाकिस्तान के अलावा उन तमाम दर क्रिकेट बोर्ड से अपनी मुशावरत का जो सिलसिला है उस वो शुरू कर दिया है और तमाम क्रिकेट बोर्ड्स को जो वार्म अप मैचेस हैं उस हवाले से उनको बता दिया गया है कि आपने वार्म अप मैचेस भी खेलने हैं। और इस सिलसिले में ICC ने 7 रोज़ का टाइम रखा है यानी कि 12 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक ये 7 रोज़ होंगे जिस दौरान मुख्तलिफ टीमें मुख्तलिफ शहरों के अंदर क्योंकि 3 बड़े शहर जो है वो चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 की मेज़बानी करेंगे जिसमें एक कराची का नाशिद स्टेडियम होगा कराची में, दूसरा पिंडी जिसमें रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम और तीसरा लाहौर कज़ाफी स्टेडियम लाहौर। तो 3 बड़े शहरों में चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी होनी है तो तीनों शहरों में टीमें जो है मौजूद होंगी तो वहाँ पर वो अपने अपने जो वार्म अप मैचेस हैं वो खेलेंगी और इसके लिए ICC ने 7 रोज़ जो है वो रखे हैं और इत्तलात ये आ रही है कि हर टीम मैक्सिमम जो है वो 2 वार्म अप मैचेस खेल सकेगी। मतलब चैंपियंस ट्रॉफी से कबल हर टीम के पास मौका होगा कि वो दूसरी टीमों के खिलाफ अपनी तैयारी के लिए अपनी प्रिपरेशन के लिए अपने जो उसके साथ खिलाड़ी हैं उनको चेक करने के लिए उनको देखने के लिए अपने वार्म अप मैचेस जो है वो खेल सकते हैं। पाकिस्तान ने हालिया वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान ने शिरकत की थी तो अनलकी रहा था क्योंकि पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज खेलनी थी तो वार्म अप मैचेस नहीं खेल पाया जिसका नुकसान उठाना पड़ा पाकिस्तान को बाद में वर्ल्ड कप में कि पाकिस्तान जल्द जो है वहाँ की कंडीशन से हमांग नहीं हुआ, वहाँ की कंडीशन को नहीं समझ सका और पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। तो चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक अपडेट ये है कि वार्म अप मैचेस जो है वो हर टीम को मिल रहे हैं और मैक्सिमम जो है वो 2 मैचेस हर टीम को मिलेंगे ताकि वो दूसरी टीम के खिलाफ जो है वो अपनी तैयारी कर सके। तो उसके लिए जो ICC है उसने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मिलकर 7 रोज़ का टाइम रखा है, इसको स्पोर्ट पीरियड का नाम जो है वो दिया गया है और इसमें वार्म अप मैचेस भी होंगे साथ साथ मीडिया एक्टिविटीज़ भी होंगी, उसके साथ साथ जो है वो तशहरी इवेंट्स भी होंगे और उसके साथ साथ वार्म अप मैचेस भी जो है वो खेले जाएंगे। तो टीमें अपनी प्रैक्टिस सेशन भी करेंगी, अपनी तैयारियाँ भी करेंगी, वो ग्राउंड भी जाएंगी तो बहुत कुछ एक्टिविटीज़ इस मुतालिक जो है वो होनी है। तो पाकिस्तान हो चाहे इंडिया हो या बाकी टीमें हो तमाम द क्रिकेट बोर्ड से ICC ने जो है वो मुशावरत मुकम्मल तकरीबन मुशावरत जो है वो शुरू कर दी है पाकिस्तान के साथ, क्योंकि उन्होंने मुशावरत इसलिए पहले मुकम्मल कर ली कि पाकिस्तान इसका होस्ट है तो पाकिस्तान ने ही ग्राउंड देने हैं, पाकिस्तान ने ही तमाम तर जो फैसिलिटेशन है तमाम तर जो सहूलियात है वो फराहम कर दी है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और ICC मुश्तरक तौर पर मिलकर इसके ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो अग्री कर दिया है, बाकी क्रिकेट बोर्ड के साथ इस वक्त जो है वो मुशावरत जो है वो ICC की जारी है और ICC ने तमाम तर क्रिकेट बोर्ड्स को बता दिया कि भैया आपने 2-2 मैचेस खेलने हैं। अब इन मैचेस का जो शेड्यूल होगा वो कन्फर्म होना है और कौन सी टीम किस टीम के मद्दे मुकाबले आएगी और उसके 2 मैचेस किन किन टीमों के खिलाफ होंगे ये अभी कंफर्म होना बाकी है क्योंकि तमाम तर क्रिकेट बोर्ड जो है इसके ऊपर अपने एतराज़ भी कर सकते हैं, वो ये भी कह सकते हैं कि हमने इस टीम के खिलाफ नहीं खेलना, छोटी टीम है, हमने इस टीम के खिलाफ नहीं खेलना क्योंकि हमें बहुत लंबा ट्रैवल करना पड़ेगा, हमारे खिलाड़ियों के लिए हैक्टिक हो जाएगा, तो इस तरह के छोटे मोटे इश्यूज़ आएंगे। तो इसलिए अभी से ICC ने मुशावरा शुरू कर दिया है, क्रिकेट बोर्ड्स को बताना का आगाज़ कर दिया, उनका रिस्पॉन्स आएगा, उनका जवाब जाएगा ICC के पास कि हाँ भाई ठीक है हमें इसके ऊपर कोई मसला नहीं है। अगर किसी क्रिकेट बोर्ड को कोई मसला है तो फिर PCB और ICC मिलकर उस शेड्यूल को दोबारा से रीशेड्यूल करेंगे, उसको दोबारा से तैयारी करेंगे और फिर उसको एक कंफर्म किया जाएगा और उसके बाद फिर ICC चैंपियंस ट्रॉफी से कुछ अर्सा कबल वार्म अप मैचेस का जो शेड्यूल होगा वो अनाउंस करेगा और जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि मैक्सिमम 2 मैचेस हर टीम खेलेगी और 3 बड़े शहर जो है वार्म अप मैचेस की मेज़बानी करेंगे कराची, लाहौर और रावलपिंडी। तो चैंपियंस ट्रॉफी जुड़ी मजीद जो जो अपडेट्स आती रहेंगी, तफसीलात आती रहेंगी वो हम आपको इसी प्लेटफॉर्म से आगाह करते रहेंगे।